जय श्री राम। आज मैं और मेरे अनुज, अनुज मतलब नाम तो इनका अरुण है, अनुज यानी कि छोटा भाई, मैं और अरुण आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल सीरीज का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है रामानंद सागर की रामायण। 1987 की ये पॉपुलर टीवी सीरीज की हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि हम देख चुके सनम में इसे भी रिव्यू किया जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं इस बड़ी सीरीज को रिव्यू करने के लिए, तो ऑफकोर्स कुछ बातचीत जरूर इसके ऊपर हम करेंगे। ये कहानी है हमारे हीरो भगवान श्री राम की, जिनका जिक्र पिछले साल न्यूज में काफी हुआ। बेटी रामलला। सो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम पर हुआ रामायण का रीरन DD1 पर, और लोगों को उम्मीद थी कि पता नहीं ये जो पुराना प्रोग्राम है दोबारा से लाया जाएगा तो क्या एक्साइटमेंट होगी। पर जी हाँ, बिल्कुल TRP के सारे चार्ट्स तोड़ दिए दोबारा से इस रामायण ने। सब लोगों ने सुबह शाम दोनों टाइम रामायण को बैठकर देखा और इतना इम्पैक्ट आया, मेरे स्पाइक्स भी गिर के सीधे ऐसे वाले हो गए हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। राम ये युद्ध जीत सका, ये जीत तुम सबके। हर कोई आदर्श बालक जरूर बन गया है, और वो इसलिए क्योंकि कास्टिंग बहुत ही एप्ट है। जब आप एक्टर्स को देखते हैं तो आपको वाकई लगता है कि आप भगवान को देख रहे हैं। भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया अरुण गोविल ने, देन ऑफ कोर्स देयर वाज सुनील लहरी जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं अपनी मीम्स की वजह से, देन सीता का रोल प्ले किया दीपिका जी ने, एंड देन वी हैड अरविंद त्रिवेदी एज रावण एंड दारा सिंह एज लॉर्ड हनुमान। मैं भगवान राम का भक्त हूँ। अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है। रामानंद सागर की रामायण एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की। कहानी बहुत सिंपल है, सब लोगों को मालूम है कि कहानी है श्री राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के वनवास, 14 साल के वनवास के लिए जाने की, जहां पर उनकी लड़ाई होती है लंका नरेश रावण से, कैसे वो रावण का वध करते हैं, वापस अयोध्या आते हैं, ये वही कहानी है। और उसके बाद दशहरे की छुट्टी होती है, ये नो ऑफ कोर्स इट इज एन एपिक, बहुत कमाल की कहानी है। इंटरनेशनली बहुत सारे स्टेज शोज में इसे परफॉर्म किया जाता है, ऑल्दो आई बिलीव इट्स अ लिटिल सैड स्टोरी बिकॉज बहुत सारा स्ट्रगल जो है वो लीड कैरेक्टर्स को ऑफ कोर्स झेलने पड़ते हैं, बट ओवरऑल इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रीरन में नई कहानी लिखी गई मीम्स के जरिए। मेरा फेवरेट मीम है, प्रभु इसके पेट पर बाण मारिए। व्हिच वन इज योर्स? मेरा जो फेवरेट मीम है वो रामायण के एक्टर असलम खान के ऊपर है। असलम खान ने रामायण में तमाम तरीके के, मेरे ख्याल से 10 या 15 तरीके के रोल किए। कभी वो राम की सेना में दिखाई देते थे, कभी वो रावण की सेना में दिखाई देते थे। उस पर एक मीम भी बना कि शायद वो आज के युग के रामविलास पासवान है। अब बात कर लेते हैं सीरीज की एग्जीक्यूशन की। ये सीरीज आई थी 1987 में, लेकिन जब आप इसे 2020 में देखते हैं तो आपको लगता है वाओ यार, मतलब इतने साल पहले भी ये सारी टेक्निक्स थी जहां पर भगवानों को उड़ते हुए दिखाया गया, तीर की अच्छी कमाल की फाइट दिखाई गई। एज अ किड मैं हमेशा बिलीव करता था कि वाकई भगवान ऐसे ही लड़ते होंगे राक्षसों से, बिकॉज वो टेक्निक बहुत ही कमाल है। और क्रिटिक्स के हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स बहुत ग्रेट नहीं थे, लेकिन मैं क्रिटिक्स को यही कहूंगा कि हे तुच्छ प्राणी जा, तुम्हें माफ किया। तू इससे पहले यदि शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। मतलब ये जो लड़कियों ने आजकल शुरू किया ना ब्रश चैलेंज की, लेंस पर ब्रश घुमाया हटाया, ओह जादू हो गया, ये आज की टेक्नोलॉजी है भैया। ये सब कुछ कर चुके थे रामानंद सागर 1987 में, और आपको आज भी देखकर लगता है वाह क्या कमाल किया है। और आपको पता है एक एपिसोड का बजट लगभग 9 लाख रुपए का हुआ करता था, लेकिन दूरदर्शन ने एक एपिसोड से कमाए लगभग 40 लाख रुपए। ओवरऑल 78 एपिसोड की ये रामानंद सागर की रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी आप उनको बिल्कुल भगवान के रूप में याद करते हैं, चाहे वो अरुण गोविल का कैरेक्टर हो या दीपिका का कैरेक्टर हो, बल्कि मैं तो कहूंगा मंथरा का कैरेक्टर प्ले करने वाली जो एक्ट्रेस थी ललिता पवार, वो भी इतना हेट्रेड उनको मिला, लेकिन सारे के सारे ये जो एक्टर्स थे कमाल किया उन्होंने। और आज भी भगवान राम की जब मैं शक्ल सोचता हूं तो अरुण गोविल की शक्ल याद आती है भाई। मुझे लगता है इस नाम में कुछ ना कुछ कमाल है, अरुण नाम के लोग बड़े अच्छे होते हैं। बट एक्चुअली फन फैक्ट, ही हैड टू क्विट स्मोकिंग, वो स्मोक किया करते थे लेकिन उन्हें किसी एक शूटिंग के सेट पर किसी ने देख लिया एंड ही सेड कि भैया हम तुम में भगवान देखते हैं, व्हाई आर यू स्मोकिंग, एंड ही हैड टू क्विट स्मोकिंग, और आज तक उन्होंने स्मोक नहीं किया है। कपिल शर्मा शो में भी जब वो आए थे तो उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया था, बट ओवरऑल आज तक इतना बड़ा माइथोलॉजिकल शो दुनिया में नहीं बनाया, मतलब ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला माइथोलॉजिकल शो है टिल डेट।
तो अगर आप पूछो क्या आज भी रामायण रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। अगर आप एक एक कैरेक्टर्स उठाकर देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये तो मेरे आसपास ही हैं। आप विभीषण का रोल देखो तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये वही आदमी है जो एमएलए तोड़कर दूसरी सरकार बना लेता है। आप कुंभकर्ण का रोल देखो तो आपको दिखाई देगा वो आदमी जो सोने में इतना यकीन रखता है। और आप अगर उस हिरण को देखो तो आप उस हिरण को देखकर भी फील करोगे कि एक बार उसके चक्कर में सीता जी फंस गई थी और एक बार सलमान खान। आखिर में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब दूरदर्शन जो पॉपुलर सीरीज कृष्णा है उसका भी रीरन करने वाली है। फिलहाल मेरे और चैन की तरफ से इट्स अ गुड बाय।